चलिए अभी लेकिन प्लास्टिक तो साफ करवाए के बारे में आप आर्ट वर्कशॉप कर सकते हो, अभी हमने इतनी सारी आर्ट वर्कशॉप करी है, बहुत अच्छी लगी। नेक्स्ट टाइम आपके स्कूल में आएंगे फिर एक अच्छा आर्ट कॉम्पिटिशन सिखाएंगे कि ड्राइंग से क्या कर सकते हैं। लड़कों के लिए आप ही देखिए कर सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग कर सकते हैं, है कि नहीं। ये बहुत सारे प्रोफेशन है जो रेगुलर लाइन में मैं लैंग्वेज में हूँ और हमने यहाँ पे एक ब्यूटिफिकेशन ड्राइव जो आपने देखा हम वॉल करते हुए वहाँ से आ रहे हैं क्लीनलीनेस के बाद। आज यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन हमने की है वॉल के ऊपर, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कलर्स कुछ सालों में फेड हो जाएंगे, ये ड्राइंग्स धुंधली पड़ जाएंगी, पर इन ड्राइंग्स के थ्रू हमारे रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन मिसाल कश्मीर इनिशिएटिव के थ्रू जो हम मैसेज देना चाहते हैं वो कभी नहीं मिटेगा। द चेंज दैट वी वांट टू ब्रिंग इन पीपल्स माइंड अबाउट एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, एम्पावरिंग आवर वुमेन, कीपिंग आवर एरियाज क्लीन, टॉक अबाउट सैनिटेशन, हाइजीन, वेस्ट मैनेजमेंट, क्लीनलीनेस, वही एक ऐसी चीज है जो अगर हम अपने लोगों के साथ जुड़ के आगे ले जाएंगे तो वो हमेशा रहेगी। कलर कुछ सालों में फेड हो जाएंगे, लेकिन ये कुछ चीजें अगर हम सीख लेंगे, सिखा देंगे और कुछ लोगों को इंस्पायर कर देंगे इसको आगे ले जाने के लिए, दैट विल स्टे फॉर एवर। एंड उसके लिए ही आज हम इस समय लैंग्वेज में है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें क्लीनलीनेस के बारे में, हाइजीन, सैनिटेशन के बारे में, ब्यूटिफिकेशन के बारे में। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कश्मीर खुद में एक बहुत ही सुंदर जगह है, इसको हम और अपने आर्ट को थोड़ा उसमें ऐड करके ब्यूटिफाई करें। इनफैक्ट कश्मीर श्रीनगर में बहुत जल्दी मेरा हैशटैग कश्मीर का स्कल्पचर भी एक गार्डन में लगेगा, बहुत जल्दी उसका इनॉग्रेशन भी होगा, एंड ऑल ऑफ यू विल बी इनवाइटेड। तो हमें कश्मीर में कहीं ना कहीं इंस्टेड ऑफ जस्ट राइटिंग सोशल मैसेजेस ऑन द वॉल, वो नहीं करके हम थोड़ा क्रिएटिविटी में दो कदम आगे जाएं और ऐसा काम दीवारों पे बनाएं जिससे एक अच्छा मैसेज मिले और सबको देख के अच्छा भी लगे। और आई थिंक फूल, नेचर, एनवायरमेंट, पहाड़, पानी जब आप दीवारों पे बनाते हैं तो वो खुद में बहुत खूबसूरत है और सबको पसंद आता है। प्रोग्राम कहाँ